कैन कोर्सो, ये एक इटालियन डॉग है। इसे इटालियन मैस्टिफ भी कहा जाता है। पुराने वक्तों में इसे हंटिंग के लिए यूज किया जाता था। ये शिकारी जानवर जैसे लोमड़ी, तेंदुआ और भेड़िए को भी धूल चटा सकता है। ये एक मस्कुलर डॉग ब्रीड है। एग्रेसिव होने के साथ साथ ये कॉन्फिडेंस से भरी होती है। हंटर डॉग होने की वजह से इस डॉग को सोशलाइज करना बहुत जरूरी होता है, वरना ये अजनबी लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि ये दूसरे डॉग्स पर भी हमला करना शुरू कर देते हैं, इसलिए इन्हें ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। और डॉग से मुकाबले ये डॉग्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें ट्रेनिंग करना बहुत आसान है। इन डॉग्स के बारे में मशहूर है, जब ये डॉग्स खाना खा रहे हों तो इनसे दूर ही रहे। ये कांगल और बैन डॉग के बाद दुनिया का तीसरा हैवी बाइट फोर्स वाला कुत्ता है। होने की वजह से कैन कोर्सो जर्मनी, इंग्लैंड, थाईलैंड और भी बहुत सारे देशों में इसको पालना बैंड है। चाउ चाउ, ये डॉग ब्रीड देखने में टेडी बियर जैसे लगते हैं। इसका ताल्लुक चाइना से है। चाइना में शाओशिक्वान इन डॉगों को कहा जाता है। ये देखने में बहुत ही मासूम और क्यूट लगते हैं, जबकि हकीकत में इसका उलट होता है। ये एक खतरनाक डॉग ब्रीड है। इसको एक्सरसाइज करवाना बहुत जरूरी होता है। ये कम जगह में बिल्कुल भी नहीं रह पाते, क्योंकि जगह कम होने की वजह से ये फिजिकली एक्टिव नहीं रह पाते। 1982 से 2014 के बीच 88 केस इनके अटैक के दर्ज किए गए, जिसमें से 40 लोगों की मौत हो गई। एलाबाई डॉग, इन्हें सेंट्रल एशियन शेफर्ड भी कहा जाता है। ये 4000 साल पुरानी डॉग ब्रीड है। ये डॉग ब्रीड कोई डॉग को क्रॉस कराकर नहीं बनाई गई, ये नेचुरल डॉग ब्रीड है। इन्हें हजारों सालों से भेड़ बकरियों की हिफाजत के लिए पाला जाता रहा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।